ये जो आप लोग इलीगली मेरे घर में घुसे हो ना, यू ऑल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट. देखिए शुक्र मनाइए कि हम टाइम पे पहुंच गए और आपकी जो ये छुटकी है ना उसको हमने बचा लिया है. जान देने वाली थी. What? नींद की गोलियां चुराई है उसने इनके पर्स में से. नींद की गोलियां खाने वाली थी ये. बताइए ना पुष्पा जी, बताइए इनको. जी आर यू क्रेजी? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मेरी बहन और सुसाइड, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? ओह सो नाउ आई गेट इट. आप लोग जो ये फोर्सफुली घर में घुसकर तलाशी ले रहे थे, यू वांटेड समथिंग टू प्रूव कि हमारी अमृता कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश कर रही है. ली ना तलाशी, मिला कुछ? नहीं, घर की तलाशी ली है, लेकिन आपकी सिस्टर की तलाशी लेना बाकी है. हाँ तो लीजिए ना तलाशी, ये यही है. बेबी कोने में खड़े हो जाओ, डिस्टर्ब मत करना. क्या है? हैप्पी हो गई तसली? बुलाइए अपने सीनियर को. मैडम सर. हाँ. बाहर बवाल हो रहा है, आप यहाँ पर आप आइए, बाहर समझाइए. हाँ हाँ हमने देखा, हमने सुना सब कुछ. फिर भी आप, मैडम सर आप थाना प्रमुख हैं, आपके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं. ये आप ही कोई संभालना होगा आगे, फिर हम आगे देख लेंगे. वो अमृता, उसका भाई पुनीत कुमार और उसकी भाभी सब यहाँ पर आए हुए हैं और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि अमृता जो है वो ये कदम उठा सकती है. आपको बाहर आना होगा, समझाना होगा. चलिए चलिए आइए. देखिए करिश्मा सिंह, आप जाइए बाहर, उन सबसे माफी मांगिए और इस मामले को जितना जल्दी हो सके रफा दफा कीजिए. माफी? हम? हाँ. पर मैडम सर हम तो आप ही के कहने पे ना गए थे वहाँ पे, और उस लड़की को हमने गलत कदम उठाने से रोका है, तो फिर हम माफी कहाँ मांगे जाके? एक सेकंड, हमारे कहने पर आप उनके घर में फोर्सफुली घुसी थी बिना किसी वारंट के. हमारे कहने पर आपने उनके घर की तलाशी ली थी. देखिए करिश्मा सिंह, ये रायता आपने फैलाया है तो आप ही समेटिए, हमारा बाहर आने का कोई मतलब बनता है. एक मिनट मैडम सर, उस बच्ची की जान का सवाल था. अब हम बच्ची की जान देखते या फिर कानून कायदे देखते, आप ही बताइए हमको. अच्छा ठीक है, क्या आपको उसके घर पे ऐसी कोई भी चीज मिली, स्लीपिंग पिल्स या कोई भी काबिल एतराज चीज जिससे हम ये साबित कर सकें कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है? नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है. हो सकता है हमारे पहुंचने से पहले उसने वो छुपा दिया हो या फेंक दिया हो, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा. हाँ तो ठीक है ना, फिर जब हमारे पास साबित करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो फिर हमारा बाहर आकर उसके भाई से बात करने का क्या मतलब बनता है? 2 साल से पिछले हम यही कर रहे हैं करिश्मा सिंह कि आपकी नीयत अच्छी है लेकिन आपका तरीका गलत है. हम बाहर आकर ये सब एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं. ये आपका फैलाया रहता है. हम माफ़ी मांग लेंगे, आप कह रही हैं तो मांगना ही पड़ेगा ना. लेकिन मैडम सर, यहाँ बात हमारी माफ़ी मांगने की नहीं है, बात उस बच्ची की है. आज तो हमने उसको वो गलत कदम उठाने से रोक लिया, कल किसका गारंटी है कि वो दोबारा ट्राई नहीं करेगी? हाँ, आपको नहीं लगता कि उसके भाई भाभी को हमें बताना चाहिए कि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है? हमें उसको समझाना होगा, हमें बताना होगा. तो ठीक है ना करिश्मा सिंह, आप जाइए और ये बात बाहर जाकर उन्हें समझाइए अच्छे से. आप ये काम खुद भी तो कर सकती है ना, हमारा आने का कोई मतलब नहीं. मैडम सर, नॉट अ करिश्मा सिंह, आप जा सकती हैं. कहाँ है मैडम सर? देखिए ऐसा है, हमसे गलती हो गई है और हम सबके सामने आपसे माफी मांगते हैं. You better be. चलो. अरे मगर हुआ क्या? नहीं पढ़ना है उनको इस पछड़े में, नहीं करना चाहती वो ये वाला केस सॉल्व. तो भाई अब तो जो भी करना है वो हमको ही करना है. तो अभी हमको क्या बनना है? अभी सोते हैं. कल देखते हैं क्या होता है. अभी कुछ नहीं, हमारा दिमाग चल रहा है. उठिए. चुड़ैल, डायन, जी आप उठ गए तो क्या सोचा है आपने? हमने क्या सोचा है?
पूरी रात जो ये आपका सास बहू और साजिश चलता रहता है ना, उस चक्कर में हम सो नहीं पा रहे हैं। कितना आपने दिमाग का हमारा दही कर रखा, हम कब सोचे हमको समझ में नहीं आता, कब सोचे बताइए? कुछ सोचा है? सुनिए, अरे चुड़े सुनिए तो, लाओ जहर दो। अरे हम आपसे बात कर रहे थे ना, बिना बात सुने आप चली आई वहां से। आप बोले बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए कल हमारे पास नींद की दवाइयां नहीं थी, आज तो लेकर आए हम। आज तो हम चद्दर तान के सोएंगे और आप भी सो जाइए। आज कल परसों तरसों नरसों सारा नींद का कोटा पूरा कर दीजिए, ठीक है? तुम जहर लाओगे? मैडम चाय तो नहीं है। का मतलब चाय नहीं है? मैडम दरअसल बात यह है मैडम, कल बच्चों के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और सब जगह लड्डू के ऑर्डर मिल रहे हैं। इस झापड़ी को भी लड्डू का ऑर्डर मिला मैडम, हम उसी की तैयारी में लगे। आज चाय नहीं, आज सिर्फ मोतीचूर के लड्डू मैडम। बताइए बच्चों के नसीब इतने खराब हो गए कि उनको बदनाम के हाथ के लड्डू खाने पड़ेंगे। खैर जो बच्चे पास हो जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, ये खुशी के मारे लड्डू बन रहे हैं। मगर जो बच्चे किसी कारणवश कम मार्क्स लेकर आते हैं या फेल हो जाते हैं उनका क्या है? उनको ऐसा लड्डू बटते हुए देखकर उनके दिल पर कितनी छुरियां चलती होगी, उनके आत्मविश्वास को कितनी ठेस पहुंचती होगी। हमें तो लगता है ना इस सब के पीछे ना उनके माँ बाप, उनके घर वाले और उनके शिक्षक जिम्मेदार हैं। क्या हुआ इकबाल? हमें हमारे अब्बू की याद आ गई। जानती पुष्पा जी कितने भी नंबर ला दे हमारे पास होने पर हमारे अब्बू ने कभी गुड़ का डेला तक नहीं बांटा, कुछ भी नंबर ला बोलते तो ये भी कोई नंबर न लाए। अबे झाबड़ी के मेरा बाप भी यही बोलता था मेरा बाप, बेटा जब तू 100 के ऊपर नंबर लेकर आएगा ना तब तू मुझे मिलना। तो क्या वो दिन है और आज का दिन है, मेरा बाप ने मेरी शक्ल नहीं देखी है। खैर छोड़ो। हाँ पुष्पा जी हम ये कह रहे थे कि करिश्मा मैडम के लिए तो लड्डू बांटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि स्कूल से इनको इतने अंडे मिले होंगे। अरे इनके माँ बाप को छोड़िए, इन्होंने आज तक हमें भी लड्डू बांटने का मौका नहीं दिया। एक बार जाओ जाओ जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारा जबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है? एक शब्द और बोला ना तुम्हारी हड्डियों के हड्डी चूर के लड्डू बना देंगे, ठीक है ना? हम तो लड्डू बांटते हैं, लड्डू लड्डू। मतलब हम देखते हैं लड्डू कैसे बेचता है। दिमाग कथई करके रखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि अमृता को कैसे समझाएंगे हम। अरे उसकी चिंता मत कीजिए, हम समझा देंगे उसे, बस हमें चिंता हो रही है वो अभी तक आई कैसे नहीं। दो बढ़िया सी चाय देना। ए बिलोटे तुम सियोर है ना कि लड़की अमृतवा इसी रास्ते से आएगी? गधे की लात पर और बिलुद्ध स्पाय की बात पर कभी संदेह नहीं करते निठल्ले। तुम क्यों ऐसे कांप रहे हो? नर्वसिया रहे हैं बिलोटे, नर्वसिया रहे हैं। क्यों काहे नहीं नर्वसिया यार? करिश्मा मैडम को कहा बोली है? कहा बोली है ना कि लड़की है अमृता, उसको सीधा इसे पकड़ना है, थाने लेकर आना है। इसे कैसे पकड़ ले यार, ना ही कोई ऑफिशियल परमिशन है, ना ही FIR है, ना ही कोई कागज है, कैसे पकड़ ले? चिते निठल लेना, तू ऊपर से पुलिस है, अंदर से एकदम गाय है, तेरे से ये काम ना नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है तेरे लिए। लेकिन पुलिस वालों को कभी कभी गाय छोड़कर सांड की तरह सख्त होना पड़ेगा। वो आ गया, हाँ वो देखो आ गई, चलो बोलो मत, सांड हो तुम, सांड की तरह बात करो। हेलो, हमारा नाम सीता चतुर्वेदी है और आपसे एक ऐसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था कि आप थोड़ी देर के थाना चलिए ना। क्यों? वो आपसे मिलना चाहती है ना। कौन मिलना चाहती है? हमारे सीनियर हैं करिश्मा सिंह, वो आपसे मिलना चाहती हैं। नहीं मुझे नहीं जाना है, आप जाइए वरना मैं भैया को कॉल कर दूंगी। ए लड़की थोड़ा दिमाग थोड़े घुटने बिछा है क्या? ये फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा जिसमें एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन है, ऑर्डर दे रहा हूँ खाने चलो चुपचाप। ठीक है मैं भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ फिर चलती हूँ आपके साथ थाने। एक मिनट। नहीं डर गई छोटी बहन, छोटी बहन डर गई डर गई। अपने भैया को फोन कर रहे थे, हम भी आपके भैया को बताएंगे कि पुष्पा जी के बैग से आपने नींद की गोली कैसे चुराई। हमारे पास सबूत है, सबूत के बल बूते पर बोल रहे, ये देख। और आपने गोली चुराई? हाँ, तो क्या फोन करिए आप या मैं? देखिए प्लीज आप भैया को ये बात मत बताइएगा, आप चाहते कि मैं आपके साथ थाने चलूँ ना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ,
बट प्लीज आप ये वीडियो ना भैया को मत दिखाएगा, प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, आप भी फोन मत कीजिए अपने भैया को। कम कम बैठ बैठ। कहिए, सबसे पहले तुम बैठो बैठो। हमें पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, हम सब समझ रहे हैं। एक हम पे विश्वास करो, तुम जो तुम्हारी और हमारी बात जो यहाँ होगी ना, यहीं रहने वाली है। तुम्हारे भैया भाभी को कानो कान खबर नहीं होगी इस बारे में। देखो, किसी ने ना बहुत अच्छा लिखा है, कभी भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं ना, उसमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी नई चीज का शुरुआत करते हैं तो वो शुरू से शुरू नहीं होता है, वो एक अनुभव से शुरू होता है, और अनुभव कभी हारता नहीं है। हार और जीत महज वक्त का एक खेल है। और वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जा सकता, वक्त से सिर्फ और सिर्फ सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है हौसला, कुछ करने का हौसला। और पता है क्या, असली शूरवीर वो नहीं होते जो कभी हारते ही नहीं, असली शूरवीर वो होते हैं जो अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। आप? ये हमारी मैडम सर है, SHO हसीना मलिक, थाना प्रभारी। हमको लगता है कि मैडम सर आपको इनका काउंसलिंग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करिश्मा सिंह, ये आपका केस है, प्लीज कंटिन्यू, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। प्लीज बैठिए बैठिए। जी सिट सिट। देखो ये हार जीत जो है ना, ये हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है, हमारे जीवन का भी रहा है। हम भी हारे हैं, हम भी बहुत बार फेल हुए हैं अपनी क्लास में, सच में। और नहीं तो क्या। अरे ऐसे कौन सा पेड़ है जिसे हवा नहीं लगी है, ऐसा कौन सा इंसान है जो जिंदगी में कभी हारा नहीं है। अब हमें ही देख लो, हमारा लल्ला जिद पकड़ के बैठा था कि उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगा। अब हमने भी उसकी शादी करा दी, हो गई ना हमारी हार जिंदगी में। इनके कहने का मतलब ये है कि हार से इंसान बहुत कुछ सीखता है। झूठ! ये सब आप लोग मुझे बस सुनाने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं नहीं रिलैक्स, हम तुम्हें सुना नहीं रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि हार और जीत का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो तुम हो या हम हो। नो, आई डोंट एग्री। मेरी पूरी फैमिली हाईली एजुकेटेड है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, मेरे फैमिली में कभी कोई फेल नहीं हुआ है। पर यू नो व्हाट, अब मैं फेल होने वाली हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी लूजर हूँ। लूजर! और आप मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे रुको अमृता, रुको, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैं अपने बाकी फैमिली मेंबर जितनी ना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड नहीं हूँ। आपको पता है, घर पे भैया ने खुशी में पार्टी रखी है, वो भी मेरे पास होने की खुशी में। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट किया। जब उन सब के सामने मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल ये लिख कर आएगा, तो मेरे भैया को कैसा लगेगा, कैसे फेस करेंगे वो सबको। इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारे भैया की तो करिश्मा, मतलब हम उनको समझाएंगे, हम उनको बताएंगे कि वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। देखिए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप यहाँ की कोई भी बात भैया को नहीं बताएंगे, और आपको आपके प्रॉमिस पर रहना ही होगा। अब मैं सब समझ गई हूँ। अभी आप लोगों ने जो भी समझा है ना, वो सब मैं समझ गई। ऐसी वैसी मैं कोई हरकत नहीं करने वाली। अब प्लीज ट्रस्ट में, सुसाइड तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मेरा पूरा ब्रेन वॉश हो गया। हाँ, अब थैंक यू सो मच। एक मिनट, कहाँ कहाँ थैंक यू, चूरन समझी हो क्या तुम पुलिस को? हाँ, तुम्हारी जरा सी बच्ची की बातों में हम आ जाएंगे? तुम्हारे भेजे में जब तक ये बात नहीं घुसेगी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। यहाँ बैठो, आओ चलो आओ। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो हमें करना चाहिए मैडम सर, हम इसके भैया को यहाँ बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि कितने घातक विचार लेके चल रही है उनकी बहन। और क्यों मानेंगे वो, क्या सबूत है आपके पास? सबूत नहीं था हमारे पास, लेकिन अब है हमारे पास सबूत, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। देखिए, कल भैया ने मेरे पास होने की खुशी में घर पे पार्टी रखी है, जब सबके सामने मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल ये लिख कर आएगा, तो भैया को कैसा लगेगा। इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। करिश्मा सिंह, ये करने से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए इसके माँ बाप, इसके भाई मान जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है ना।
इसका इरादा बदलने के लिए हमें सोच बदलनी होगी। उसके लिए जज्बात चाहिए मैडम सर, और हमारे जज्बात का कोटा जो है वो खत्म हो चुका है हमारे अंदर, और जज्बात बचे नहीं हैं। और वैसे भी आप तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी, आपने तो स्टार्टिंग में पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर अब कहाँ इन्वॉल्व हो रही है? हमें करने दीजिए ना हमारे तरीके से अपना काम। ठीक है, आपका केस है, करिए अपने तरीके से। तुम आओ बैठो। मैडम सर जी कहिए। मैडम सर हमने पहली बार आपको आपके आपके जज्बातों से और आपकी जिम्मेदारियों से भागते हुए देखा है ना। जब से ये अमृता का केस आया आप परेशान सी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कोई बात है जो आपको तंग कर रही है, कुछ ऐसा है तो मैडम सर आप हमें बताइए, हमसे शेयर कीजिए, कुछ हल निकालते हैं। अमृता का भाई पुनीत बहुत सालों पहले हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वो हमारा क्लासमेट है। स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद हम कभी किसी से दोबारा मिले नहीं, हमारा मिलने का मन भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं है कि हम कौन हैं और क्या करते हैं। पुनीत भी नहीं जानता कि वो जिस थाने में अपनी बहन का केस लेकर आया है उस थाने के SHO हम हैं। और कल अचानक इतने सालों बाद हमें स्कूल के ग्रुप पर हमें मैसेज आया है कि पुनीत ने एक रीयूनियन की पार्टी रखी है जिसमें उसने सबको बुलाया है, हमको भी। तो ये तो बहुत अच्छा बात हुआ मैडम सर, आप अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलेंगी, पुरानी यादें ताज़ा करेंगी, और हो सकता है मैडम सर कि अमृता का जो मुश्किल केस है वो वहाँ पे हल हो जाए। हम भी ज़रूर चाहेंगे कि ये केस सॉल्व हो जाए, लेकिन हम पुरानी किसी भी याद को ताज़ा नहीं करना चाहते करिश्मा से, हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचना तक नहीं चाहते। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर, गुजरा हुआ वक्त, पुरानी यादें, ऐसा क्या हुआ था? बचपन में कुछ हुआ था हमारे साथ जिस बात का डर अब तक हमारे मन में बैठा हुआ है। डर? और आपको? लेकिन मैडम सर आप ही ने कहा था कि बचपन में स्कूल के टाइम में आप काफी दबंग रही हैं, आप हमसे भी ज्यादा अड़ियल रही हैं, और आपका काफी भौकाल था, तो फिर डर किस बात का? अच्छा अच्छों को आ जाए पसीना, जब अपने पे आ जाए हसीना, यही कहा करते थे ना सब आपको। हाँ हमने कहा था, लेकिन ये बात की बात है, हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो तब था जब अब्बू का नया नया यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, हम नए नए स्कूल में गए थे और फिर कुछ हुआ था हमारे साथ, बट लेकिन उसके बाद हम बड़े हो गए, वो हसीना मलिक बन गए जिसे आप जानती हैं, दबंग निडर। लेकिन वो एक बात, वो एक हादसा, उसका डर अब तक है हमारे मन में, चाहकर भी हम उसे निकाल नहीं पाते। ऐसा क्या हो गया मैडम सर आपके साथ, हमें बताइए ऐसा क्या हुआ था? नहीं छोड़ दीजिए करिश्मा सिंह, रहने दीजिए, पुराने जख्म कुरेदने से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होती है। सच बात तो यह है कि हम उस वक्त भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए थे और आज भी नहीं कर पाएंगे, हम उतने मजबूत हैं ही नहीं। क्या आपने कहा कि आप मजबूत नहीं हैं? आप कितनी मजबूत है ना मैडम सर, या आप हमसे पूछिए, आप कितनी मजबूत है ना मैडम सर, या आप उस हर औरत से पूछिए जो आपको देखकर अपने औरत होने पर गर्व महसूस करती है मैडम सर, और आप कहती हैं कि आप मजबूत नहीं है। मैडम सर हसीना मलिक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हसीना मलिक ना उस सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जिसने पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने बूते पे पहचान बनाने की प्रेरणा दी है मैडम सर, और आप कहती हैं कि आप मजबूत नहीं है। अब तो ये केस और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैडम सर ही सॉल्व करेंगी।
देखिए, हम नहीं जानते कि आपके पास्ट में आपको क्या दर्द मिला है, आपके साथ क्या हुआ है जिससे आप ऐसे महसूस कर रही हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कोई भी जख्म मैडम सर की सहन शक्ति और उनके हौसले से बढ़कर हो ही नहीं सकता है। आप तुरंत उनको मैसेज कीजिए और आप उनको बोलेंगे कि आप वो रीयूनियन पार्टी में जा रही हैं, आप उनको फेस करेंगी और सारे दर्द को भगा देंगी अपनी जिंदगी से मैडम सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.